हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अमेजिंग और एक फैंटास्टिक स्पोर्ट के बारे में जो कि जापान में काफ़ी लोकप्रिय है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे की अपडेट्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे की सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आइए दोस्त जानते हैं इस अमेजिंग स्पोर्ट्स के बारे में। ये जापान में काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें एक प्रत्याशी रहता है जो एक अपोजिट टीम का रहता है, जैसे आप देख सकते हैं व्हाइट ड्रेस में वो एक पोल के ऊपर चढ़ा हुआ है। उसको गिराने के लिए लाख लाख कोशिश करते जाते हैं दूसरी टीम के अपोनेंट मेंबर्स। यह बहुत ही लोकप्रिय गेम है जापान में। इसमें सामने वाला आपको बेहद कोशिश करके गिराने की कोशिश करता है, उसमें हो सकता है कि चोट भी लग जाए सामने मेंबर्स को। उसमें देखिए लात चला रहा है सामने वाला और फाइनली उसने उसे उतार कर ये गेम जीत लिया है। तो इसमें ऐसा होता है कि जब तक दूसरा वाला पोल को टच नहीं कर ले दूसरी वाली टीम का मेंबर, तब तक वो गेम ओवर नहीं होता है। अब देखिए आप इसमें ऑरेंज वाले ने पोल को ऊपर टच कर लिया है और ये गेम यहाँ पर समाप्त हो गया है। विसल बजती है यहाँ पर रेफरी की और सभी हाथ ऊपर करके यह संकेत देंगे कि हाँ हम इस गेम में अब हम नहीं हैं और ये गेम एक टीम द्वारा जीत लिया गया है। ये काफ़ी रोमांचक और काफ़ी खतरनाक गेम भी है दोस्तों। इसे प्रचलित तौर पर सिर्फ जापान में खेला गया है और इसमें यह भी देखा गया है कि सामने वाली टीम और अपने भाग लेने वाली टीम दोनों ही सक्रिय रूप से भाईचारे से खेलती है। बाद में सभी ये एकजुटता का संदेश देते हुए अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ये पोल गिरता है इस गेम का समापन की घोषणा हो जाती है। दोस्तों बताइए आपको यह गेम जो कि जापान में चलता है वो कैसा लगा, क्या आप लोग भी इसे खेलना चाहेंगे? बताइए मुझे, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में ताकि मैं आपको आगे भी अच्छे से अच्छे गेम के बारे में रोचक जानकारी दे पाऊँ। फिलहाल ये बात हुई आज के रोमांचक गेम के बारे में। आगे मुझसे जुड़े रहिए। फिर रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल को लाइक करिए पहले और फिर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी पास में देखिएगा वो जरूर दबाइए। मिलते हैं दोस्तों।